वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा और आज मैं आप सभी के सामने लेके आई हूं मूवी पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ। 2010 में आई थी ये मूवी। कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये मूवी है उन देवताओं की जो कि आधे भगवान और आधे इंसान थे। आपने इन सभी के बारे में एशियन बुक्स में या फिर कॉमिक बुक्स में जरूर सुना होगा। ये कुल मिला के 12 देवता थे। ये सभी रहते थे ओलंपस में। इन सभी देवताओं में से 3 देवता सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल थे। सबसे पहला देवता था ज्यूस, ये था किंग ऑफ 12 गॉड और साथ ही साथ आकाश का देवता। और इसके दूसरे नंबर का भाई है पोसाइडन, जो कि पानी पे राज करता है और पानी का देवता है। और तीसरा भाई है हेडीज, अंडरवर्ल्ड का यानी कि नर्क का देवता। इन तीनों भाइयों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। ये सभी एक दूसरे की पावर लेने के लिए हमेशा लड़ते थे। इन भाइयों की लड़ाइयों के कारण ये तय किया गया कि आज के बाद इनकी पावर्स कोई भी इनमें से नहीं चुरा सकता। तो अब आपको बिल्कुल भी बिना प्रतीक्षा कराए चलिए हम चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें पानी से निकलता हुआ देवता दिखता है जो कि धीरे धीरे इंसानी रूप ले लेता है और वो बिल्डिंग के टावर पे आके एक दूसरे इंसान से मिलते हैं। ये दोनों होते हैं ज्यूस और पोसाइडन। ज्यूस अपने भाई से पूछता है, क्या तुम देख पा रहे हो ये तूफान? तब पोसाइडन कहता है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ। तब ज्यूस उसे कहता है कि ये तूफान बिना बिजली के है, यानी कि अब इनमें बिजली नहीं रही है। और वो इसके साथ पोसाइडन को कहता है कि तुमने मेरा लाइटनिंग बोल्ट चुराया है। तब पोसाइडन उसे कहता है कि ये हम लोगों के बीच में काफी समय पहले ही तय हो चुका था कि हम एक दूसरे की पावर्स नहीं चुरा सकते हैं। तब ज्यूस उसे कहता है कि तुमने नहीं चुराया है, लेकिन हमारे बच्चों को इस चीज की मनाही नहीं है। तब पोसाइडन उसे कहता है कि क्या तुम ये इल्जाम मेरे बेटे पे लगाना चाह रहे हो? और पोसाइडन उसे ये भी कहता है कि मेरे बेटे ने इस तरह की कोई चोरी नहीं की है, मेरा बेटा कभी तुम्हारी लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराएगा। तब ज्यूस उसे कहता है कि अगर मेरा लाइटनिंग बोल्ट आने वाले 14 दिन में नहीं मिला तो हम यहाँ पे युद्ध करेंगे और ये युद्ध कितना भयानक होगा ये तुम्हें मालूम ही होगा। ये कहकर वहाँ से ज्यूस चला जाता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी देर से पानी में ही था और उसे वहाँ सांस लेने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब अगला सीन दिखाया जाता है एक स्कूल का। यहाँ पे स्कूल टीचर बोर्ड पे लिखे अक्षरों को पढ़ने के लिए कहती है और साथ ही साथ उनके मीनिंग को पूछने की कोशिश करती है। तब वो एक लड़के को खड़ा करती है। ये लड़का वही था जो कि पानी में काफी देर बिना सांस रोके बैठा था। ये था पर्सी जैक्सन। डिसलेक्सिया की बीमारी होने के कारण पर्सी को कुछ भी समझ नहीं आता था और ना ही वो पढ़ पाता था। इसी चीज से परेशान होके वो अपने घर पे जाकर अपनी मॉम को भी बताता है कि ये बीमारी अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ पे एक बेहद ही बुरा इंसान भी बैठा था जो कि था उसका स्टेप फादर। वो पर्सी की मॉम सेली से बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता है, साथ ही साथ उसे बियर का ऑर्डर लाने के लिए कहता है और पर्सी के सामने ही उसकी मम्मी की बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। ये चीज पर्सी को नहीं पसंद आती है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर क्या रीजन है जो आप इस आदमी के साथ रह रही हैं। अगले दिन पर्सी की स्कूल में एक टूर था जहाँ वो बच्चों को म्यूजियम यानी कि रशियन गैलरी में लेके जाते हैं। वहाँ एक हैंडीकैम प्रोफेसर थे जो कि बच्चों को देवताओं के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियाँ बता रहे थे। पर्सी बहुत ही खास बच्चा था इसीलिए उसे ग्रीक लैंग्वेज पढ़ना आता था। वहाँ म्यूजियम में लिखी चीजें ऑटोमेटिकली उसे समझ आने लगी थी। जब प्रोफेसर ने उसे पूछा था कि भगवान के बच्चे जो कि आधे इंसान और आधे देवता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तब पर्सी उस ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ता है और आंसर देता है डेमिगॉड, यानी कि वो बच्चे जो कि आधे इंसान और आधे भगवान होते हैं और इन्हें कहा जाता है डेमिगॉड। उसी समय पर्सी को उसकी वो टीचर जो कि स्कूल में उनसे आंसर पूछ रही थी एक कमरे में ले जाती है। पर्सी जब पीछे मुड़ के उनसे पूछता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई है, तो पर्सी देखता है कि वो एक बहुत ही ऊंची जगह पे खड़ी होती है और पर्सी इस वियर्ड बिहेवियर को समझ नहीं पाता है। देखते ही देखते उसकी टीचर एक वियर्ड क्रीचर पंखों वाले जानवर में तब्दील हो जाती है और पर्सी से कहती है कि मुझे वो लाइटनिंग बोल्ट दे दो। थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पे प्रोफेसर और पर्सी का बेस्ट फ्रेंड ग्रोवर वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ प्रोफेसर ग्रोवर के पहुँचने से पहले ही वो जानवर वहाँ से उड़ जाता है। अब ग्रोवर पर्सी को उठाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, और उसके प्रोफेसर पर्सी से पूछते हैं कि वो आखिर तुमसे किस चीज के लिए पूछ रहे थे। तब पर्सी होश में आता है और कहता है कि ये सब चीजें क्या मेरे साथ में रियल में हुई है, क्या ये जानवर सच में मेरे सामने आया था। और फिर कहता है वो प्रोफेसर को कि इसने मुझसे कोई लाइटनिंग बोल्ट के बारे में कहा था कि मैंने वो चुराया है, मैंने कोई भी चीज नहीं चुराई है। तब ग्रोवर उस प्रोफेसर को कहता है कि पर्सी को पहचान लिया गया है
और अब इसे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। अब प्रोफेसर ग्रोवर को कहते हैं कि तुम इसकी मॉम को ये बात बता दो और जल्दी से जल्द यहाँ से निकलो। तब ग्रोवर पर्सी को कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और यहाँ से हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। तब पर्सी उसे कहता है कि तुम मेरी रक्षा कैसे करोगे, तुम तो हैंडीकैम्प हो। तब ग्रोवर उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और अब पर्सी और ग्रोवर पहुँच जाते हैं पर्सी के घर, जहाँ ग्रोवर पर्सी की मॉम को कहता है कि हमें यहाँ से अब निकलना पड़ेगा और पर्सी की मॉम ये बात समझ जाती है। रास्ते में जाते वक्त पर्सी अपनी मॉम से बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि हम कैंप जा रहे हैं। ये सारी बातें चल ही रही थी कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी गाय आके उनकी कार के ऊपर टकरा जाती है और वो कार बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज होके बहुत दूर गिर जाती है। उसी समय तीनों कार से निकलने की कोशिश करते हैं और ग्रोवर अपनी पैंट उतारने लगता है। तब पर्सी पूछता है कि तुम अपनी पैंट क्यों उतार रहे हो। तब जाके पता चलता है कि ग्रोवर आधा जानवर और आधा इंसान है और उसका आधा जो शरीर जानवर का था वो एक बकरे का शरीर था। अब वो पहले से भी ज्यादा तेज फुर्ती से आगे की तरफ भाग रहा था। पर्सी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये सब क्या चल रहा है। अब ये तीनों जंगल की तरफ भागते हैं और भागने के बाद एक डेस्टिनेशन पे रुकते हैं जहाँ एक गेट था। वो जगह बनी थी डेमीगॉड के लिए, यानी कि जो आधे इंसान और आधे भगवान थे, इंसानों की वहाँ एंट्री नहीं हो सकती थी, इसीलिए उस गेट में से पर्सी की मॉम अंदर नहीं जा सकती थी। जब वो सभी लोग वहाँ एंटर करने वाले थे तभी एक बहुत ही बड़ा दानव उनके पीछे आ खड़ा होता है और पर्सी की मॉम को उठा लेता है। इस समय भी वो पर्सी से यही कहता है कि वो लाइटनिंग बोल्ट मुझे दे दो और ये बात बोलते बोलते वो उसकी मॉम को राख में तब्दील कर देता है। पर्सी को ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस बुल से लड़ने निकल जाता है। लड़ते लड़ते उस बुल का एक सींग पेड़ में जा लगता है और वो सींग टूट जाता है। उसी सींग को पर्सी निकाल के उस बुल के पेट में डाल देता है और वो बड़ा सा बुल वहाँ मर जाता है। ये और कोई नहीं कर सकता था क्योंकि उस बुल को मारने के लिए चाहिए थी बहुत सारी पावर। घायल पर्सी की आंखें खुलती है एक हॉस्पिटल में, जहाँ ग्रोवर उसे बताता है कि तुम पिछले 3 दिन बाद उठे हो। पर्सी की नज़र जब जाती है ग्रोवर के पैरों पे तब वो एकदम शॉक में उठ जाता है कि ओ माय गॉड, ये सब कुछ एक सपना नहीं था। तब वो अपने मॉम को भी ढूंढने की कोशिश करता है और पिछले 3 दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में भी ग्रोवर से पूछता है। तब ग्रोवर उसे कैंप के अंदर घुमाना शुरू करता है और उसे बताना शुरू करता है कि यहाँ पे सारे के सारे हम जैसे लोग ही हैं, ये सभी देवताओं के बच्चे हैं, यानी कि देवता जो कि ऊपर ओलंपस में रहते हैं वो धरती पे आते हैं कई सालों में और इंसानों के साथ रह के बच्चे करते हैं। वो बच्चे आधे देवता होते हैं और उन सभी का घर है ये कैंप। यहाँ ये बच्चे सुरक्षित रहते हैं, साथ ही साथ ये बच्चे युद्ध करना भी सीखते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है उस प्रोफेसर से जो कि पर्सी के म्यूजियम टूर में थे। तब पर्सी उन प्रोफेसर से पूछते हैं क्या आप भी हम में से एक हैं। तब वो प्रोफेसर पर्सी का वेलकम करते हैं और बताते हैं कि ये देखो, ये जगह तुम्हारे लिए ही बनी थी। और उसके बाद वो एक घर दिखाते हैं पर्सी को और बताते हैं कि ये तुम्हारे फादर पोसाइडन ने बनाया था। अब पर्सी उस घर में जाने के बाद वहाँ पे रही अलग अलग पानी से रिलेटेड चीजें देखता है और इसके बाद वो अपने प्रोफेसर से क्वेश्चन करता है कि मैं आखिर इस जगह पे क्यों हूँ और सभी मुझसे ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैंने कोई लाइटनिंग बोल्ट चुराया है। मेरी मॉम कहाँ है, मुझे मेरी मॉम चाहिए और मैंने किसी तरीके का कोई लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया है। तब प्रोफेसर पर्सी से कहते हैं कि ये बात मुझे मालूम है कि तुमने लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया है, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन ही बचे हैं। 14 दिन में से 4 दिन ऑलरेडी तुम घायल थे और अब हमारे पास 10 दिन बचे हैं। अगर ज्यूस के पास वो लाइटनिंग बोल्ट नहीं आया तो 10 दिन बाद में बहुत ही बड़ा युद्ध करेगा और इस युद्ध के कारण ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो हमें ज्यूस के पास जाना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास वो लाइटनिंग बोल्ट नहीं है, शायद वो तुम्हारी बात मान ले और ये युद्ध रोक दे। तब पर्सी कहता है कि मेरी माँ का क्या, मेरी माँ कहाँ है। तब वो प्रोफेसर उसे सांत्वना देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ के लिए मुझे बहुत दुख है, वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी और उन्होंने तुम्हारे लिए ही इतना सेक्रीफाइस किया था। तब पर्सी अपने प्रोफेसर को कहता है कि क्या मेरी माँ को पहले से ही मालूम थी ये सारी चीजें। तब प्रोफेसर कहते हैं कि बिल्कुल हाँ, उन्हें ये सब पहले से ही मालूम था। तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ही उन्हें उस बेहुदा इंसान के साथ रहना पड़ा। अब प्रोफेसर वहाँ पे रह रहे सारे के सारे योद्धाओं से पर्सी का इंट्रोडक्शन कराते हैं। कैंप में रहने वाले ये सभी बच्चे टाइम टाइम पे गेम खेला करते थे, हालांकि ये गेम किसी भी नॉर्मल गेम से रिलेट नहीं करता है, बल्कि ये गेम था योद्धाओं का, यानी कि फ्लैग लेना है, एक दूसरे के दुश्मनों को मारना है और बस जीतना है। अब वहाँ खेल
की शुरुआत होती है और पर्सी को मिलती है ब्लू टीम और उस टीम को लीड करता है ल्यूक। दोनों पार्टी एक दूसरे के फ्लैग को लेने के लिए जबरदस्त कोशिश करते हैं और वो सभी चले जाते हैं लड़ते लड़ते फॉरेस्ट में। अभी इस समय पर्सी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, ना ही उसे तलवार चलाना आता था और ना ही किसी का सामना करना आता था। एक सीन में ऑलमोस्ट पर्सी पे बहुत बुरा अटैक हो ही जाता है कि ल्यूक उसे आके बचा लेता है और ल्यूक उसे कहता है कि आगे की तरफ भागो और फ्लैग ढूंढो। पर्सी आगे निकल के फ्लैग ढूंढ लेता है, लेकिन वो फ्लैग लेना इतना भी आसान नहीं था। दूसरी टीम को लीड कर रही थी एनाबेथ। एनाबेथ थी एथेना की बेटी। एथेना 12 गॉड में से एक बहुत ही शानदार गॉडेस थी। वो थी शांति, बुद्धिमानी, स्ट्रेटेजी वेयरफेयर की बिल्कुल कौशल देवता और साथ ही वो रणनीतिक युद्ध की भी देवी थी। यानी कि ओवरऑल ये सारी की सारी क्वालिटी एनाबेथ में भी थी। अब एनाबेथ एक ही झटके में तलवार चला के पर्सी को गिरा देती है और बहुत बुरी तरीके से घायल होने के बाद पर्सी अब उठ नहीं पाता है। तभी पर्सी के कानों में एक आवाज आती है कि पानी की तरफ जाओ। ये आवाज पर्सी के फादर यानी कि पोसाइडन की थी। पर्सी के पानी को टच करते ही उसके सारे वुंड्स अब हील होने लगते हैं। अब उसके ना तो चेहरे पे कोई घाव था और ना ही दूसरे किसी तरीके की वीकनेस, बल्कि अब पर्सी और ज्यादा पावरफुल होके उठा था और अब वो फाइट शुरू करता है वापस से एनाबेथ के साथ। और दूसरी फाइट के अंदर वो एनाबेथ को हरा देता है और फाइनली सभी उसके लिए बहुत ही जोरदार तालियां बजाते हैं कि फाइनली ब्लू टीम जीत गई है और दूसरी टीम का फ्लैग उन्होंने हासिल कर लिया है। इस शानदार जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक नाइट में पार्टी हो रही थी। सभी आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी आग में से रोशनी निकलती है और वहां से सभी के सामने एक आग का दानव खड़ा हो जाता है और वो फिर से कहता है कि पर्सी कहाँ है, पर्सी मेरे सामने आओ। तब पर्सी उस आग के दानव के सामने आता है और वो आग का दानव और कोई नहीं बल्कि हेडीज था। हेडीज पर्सी को कहता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, अगर तुम अपनी माँ को पाना चाहते हो तो तुम वो लाइटनिंग बोल्ट मेरे पास ले आओ और अपनी माँ को मेरे पास से ले जाओ। ये बात कह के हेडीज वहां से निकल जाता है और ये बात सुनने के बाद पर्सी काफी उतावला हो जाता है कि अब उसे अपनी माँ को ढूंढने जाना ही है। वो प्रोफेसर को भी यही बात कहता है। तब प्रोफेसर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पहले ज्यूस के पास जाना पड़ेगा और ज्यूस को अगर एक बार ये बात समझ आ गई कि तुम्हारे पास लाइटनिंग बोल्ट नहीं है तो वो ये बात मान जाएगा और तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे पास ले आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पर्सी अपना सामान उठा के वहां से निकल जाता है। पर्सी का पीछा करते करते वहां पे ग्रोवर और एनाबेथ भी उसके सामने होते हैं। तब पर्सी उन्हें कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तब ग्रोवर कहते हैं कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मुझे तो तुम्हारे साथ आना ही पड़ेगा। और एनाबेथ अपने आप को क्लियरफाई करके कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता है और आज से पहले मैंने यहाँ इतने युद्ध लड़े हैं कि शायद मैं तुम्हारे काम आऊं। अब वो लोग बात करते हैं कि मुझे मेरी माँ को लेने के लिए जाना पड़ेगा अंडरवर्ल्ड यानी कि नर्क में और हेडीज से मिलना पड़ेगा। तब एनाबेथ कहती है कि हमें इसका रास्ता और कोई नहीं बल्कि ल्यूक दिखा सकता है। यहाँ ल्यूक है हर्मेस का बेटा और हर्मेस उन 12 देवताओं में से एक था। उसके पास पावर थी कि वो कभी भी ओलंपस में भी जा सकता था और साथ ही साथ वो अंडरवर्ल्ड में भी जा सकता था। इसी कारण ल्यूक को भी हो सकता है कि इसके रास्तों के बारे में पता हो। ये तीनों जाते हैं ल्यूक के पास और ल्यूक को इस बारे में पता चल जाता है क्योंकि ल्यूक के पास आने वाले हर इंसान को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता चाहिए था। ल्यूक उनकी मदद करता है, उन्हें एक मैप देता है और बताता है कि तुम अंडरवर्ल्ड में जा तो सकते हो लेकिन तुम्हें वापस वहां से बाहर आने के लिए चाहिए रहेंगे मोती और तुम तीन हो इसलिए तुम्हें तीन मोती चाहिएंगे। वो सबसे पहले फर्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में उन तीनों को बताता है और इन तीनों की मदद करने के लिए ल्यूक पर्सी को उड़ने वाले जूते देता है और साथ ही साथ अपनी एक बहुत ही पावरफुल शील्ड भी देता है और कहता है कि पहला मोती मिलने के बाद ये मैप ऑटोमेटिकली तुम्हें दूसरा मोती कहाँ मिलेगा वो जगह बता देगा। अब तीनों निकल पड़ते हैं पहले मोती के तलाश में। ये पहला मोती मिलने वाला था इन्हें एक घर में जहाँ थे बहुत सारे स्टैचू। अब ये सभी उस घर में पहुंच तो जाते हैं लेकिन वहाँ इन्हें कुछ चीजें सही नहीं लगती है। वहाँ पे हर एक इंसान, हर एक चीज पत्थर की बनी थी। वहाँ एनाबेथ को पानी में कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं और वो पर्सी को हाथ में देते हुए कहती है कि इसे रखो, शायद ये हमारे आगे काम आए। वो तीनों अलग अलग जगह पे ढूंढते हैं कि मोती कहाँ हो सकता है। कुछ ही देर में एनाबेथ के पास में एक लेडी आती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ गलती से आ गई थी, मेरे हस्बैंड को एक औरत ने पुतला बना दिया है और हमें भी यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ेगा। उसी समय ग्रोवर भी एक पत्थर की मूर्ति देखता है और उसे उसी समय समझ में आ जाता है कि हम लोग एक ट्रैप में हैं। ये घर है मेड्यूसा का।
हमने आज से पहले भी मेड्यूसा के बारे में कॉमिक्स में पढ़ा था। मेड्यूसा सांपों की सिर वाली रानी थी, जिसकी आंखों में देखते ही कोई भी इंसान पत्थर का बन जाता था। ये बात एनाबेथ को तो पता थी, लेकिन उस औरत को नहीं पता थी। अब एनाबेथ और उस औरत के सामने खड़ी थी मेड्यूसा, और वो एनाबेथ से बात करती है और कहती है कि इस चीज का श्राप मुझे तुम्हारी माँ ने ही दिया है, यानी कि एथेना ने मुझे इस चीज से श्रापित किया है, और आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी माँ के कारण ही हूँ। मेड्यूसा के सामने अपनी आंखें खोल लेती है और वो देखते ही देखते बन जाती है पत्थर की एक मूर्ति। वो एनाबेथ के साथ में भी ऐसा ही करने वाली थी कि तभी वहाँ पे पर्सी और ग्रोवर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तब वो पर्सी को उठा के कहती है कि तुम्हारे फादर पोसाइडन के साथ तो मैंने डेट भी कर रखी है, तुम उसी के बेटे हो और हूबहू बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हो। और अब वो पर्सी को भी आंखें खोलने पे मजबूर करती है कि एक बार मेरी आंखों में देखो। और उसी समय ग्रोवर और एनाबेथ ले आते हैं एक कार और जोरदार टक्कर के साथ में मेड्यूसा को गिरा देते हैं। और दूसरे ही पल पर्सी वहां से निकालता है अपनी तलवार और मेड्यूसा का सर उसकी धड़ से अलग कर देता है। अब वो लोग मेड्यूसा का सर भी अपने साथ लेके जाना प्रेफर करते हैं कि शायद ये आगे जाके हमारी कुछ हेल्प कर पाए। और वहाँ पे उन्हें मिल जाता है पहला मोती। अब मैप उन्हें दूसरे मोती का रास्ता दिखा देता है, लेकिन उससे पहले वो थोड़ी देर रुकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जिस होटल में वो वहाँ रुकते हैं, वहाँ की एक वेटर ने ग्रोवर के हाथ में मेड्यूसा का सर देख लिया होता है, और वो जगह उन्हें हैंड टू हैंड खाली करनी पड़ती है। अब जो दूसरे मोती की जगह थी, वो मैप में एक म्यूजियम को दिखा रहा था। वो म्यूजियम था एथेना की मूर्ति का। एथेना थी एनाबेथ की मॉम। उन तीनों के वहाँ पहुँचने के बाद एनाबेथ कहती है, क्या मेरी मॉम ऐसी ही दिखती होंगी? इसी समय मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इन देवताओं ने ये भी डिसाइड किया था कि हम हमारे बच्चों से कभी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से आज तक कभी नहीं मिले थे। अब वो लोग देखते हैं एथेना की 30 फुट ऊंची मूर्ति, और उस मूर्ति के क्राउन में लगा था वो मोती। और दिन का समय होने के कारण वहाँ पे काफी भीड़ थी, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम रात में ये मोती ले चलेंगे अपने साथ। रात में काम कर रहे वर्कर्स को वहाँ पे एनाबेथ अपने बेहोशी के तीरों से मार गिराती है। सभी के बेहोश होने के बाद में ल्यूक ने जो उड़ने वाले जूते दिए थे, अब पर्सी उन्हें पहन लेता है और उड़ने की कोशिश करता है। वो उड़ के पहुंच जाता है एथेना के क्राउन तक, वहां से मोती भी ले लेता है। लेकिन नीचे उतरते ही उन्हें वो 5 लोग दिखते हैं, यानी कि जो वर्कर वहां काम कर रहे थे। और देखते ही देखते वो बदल जाते हैं एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में, जिसके 5 सर थे और उसमें से एक सर आग उगल रहा था। वो ड्रैगन अब इन तीनों के पीछे बहुत ही बुरी तरीके से पड़ जाता है। पर्सी वहाँ एक बार के लिए अपनी तलवार निकालता है और उस ड्रैगन के सर काट देता है। तब एनाबेथ बताती है कि ये तुमने और बड़ी गलती कर दी है, अब ये एक की बजाय 2 सर निकलेंगे, और अब ये ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में हो जाएगा। अब ड्रैगन के 10 सर निकलने के बाद में पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ अपनी जान बचा के बस वहां से भागना चाहते थे। पर्सी वहां पे वो मोती उठाने ही वाला था कि फिर से वो ड्रैगन उसके पीछे आ खड़ा होता है और आग निकालने लगता है। तब कैसे तैसे करके वो तीनों अपने गेट की तरफ पहुंचते हैं और बाहर निकलने ही वाले थे। वो ड्रैगन उन पे आग निकालने वाला था, तभी ग्रोवर अपने बैग में से निकालता है मेड्यूसा का सर और उसे दिखा देता है उस ड्रैगन की तरफ। और एक ही सेकंड में वो ड्रैगन तब्दील हो जाता है एक पत्थर की बहुत ही सुंदर मूर्ति में। अब उन तीनों के पास होता है वो दूसरा मोती। अब वो अपना तीसरा मोती ढूंढने के लिए वो मैप खोलते हैं। अब मैप में वो तीसरा मोती जहां मिलने वाला था, वो जगह थी लॉस वेगास, यानी कि कैसीनो और गेमर्स का शहर। तीनों पहुंच जाते हैं वहां पे और पहुंचते हैं सबसे पहले कैसीनो में। कैसीनो देखते ही उन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे आसपास सभी लोग थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे, और वहाँ पे हर जगह लड़कियाँ लोटस फ्लावर लोगों को दे रही थी। अब वो तीनों भी उस लोटस फ्लावर को ले लेते हैं, और देखते ही देखते वो तीनों अब नशे की हालत में चूर हो जाते हैं। अब वहाँ तीनों इंजॉय करने लगते हैं और अपना जो मेन मोटो था वो भूल जाते हैं। इस समय पर्सी अपना नेक्स्ट लोटस फ्लावर खाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज आती है कि पर्सी, तुम ये फ्लावर मत खाओ, ये तुम्हारी सेंसेस डेड कर रहा है। तब पर्सी को होश आता है कि हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं, यानी कि ये लोग लोटस जो खिला रहे हैं वो नशे का है, और हम सब लोग यहाँ पे काफी दिनों से हैं, हम सब लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब वो एनाबेथ को भी होश में लाता है और ग्रोवर को भी उस जगह से उठाता है। तब वहाँ पे कैसीनो के लोगों को पता चल जाता है कि ये तीनों होश में आ चुके हैं। पर्सी को वहाँ अपना तीसरा मोती भी मिल जाता है। तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई दरवाजा नहीं मिलता है। तभी वो वहाँ से कार उठाते हैं और सीधा एक कांच के दरवाजे से जा टकराते हैं और निकल जाते हैं बाहर। बाहर निकलने के बाद में वो डेट देखते हैं और देखते हैं कि हम पिछले 5 दिन से यहीं अटके थे।
और तब पर्सी कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हैं वहाँ पहुँचने के लिए, और अगर 12 घंटे में हम वहाँ नहीं पहुँचे तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। अब मैप उन्हें दिखाता है अंडरवर्ल्ड में जाने का रास्ता हॉलीवुड। पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ पहुंच जाते हैं हॉलीवुड में। वहां पे कुछ लेटर उल्टे सीधे लिखे होते हैं, लेकिन पर्सी के पास में पावर्स थी ये सब पढ़ने की, और पर्सी वो सब पढ़ लेता है और उनके सामने खुल जाती है एक गुफा। गुफा में एंटर करने के बाद वहां वो एक इंसान को खड़ा देखते हैं और उसे वहां अंदर जाने के लिए पूछते हैं। तब वो इंसान उसे मना कर देता है कि यहां तुम सिर्फ और सिर्फ मर के ही आ सकते हो, यानी कि मैं केवल सवारी मुर्दे लोगों को देता हूं। तब उन्हें समझ में आता है कि इसे अपना मेहनताना चाहिए। तब वो अपनी जेब से सोने के सिक्के निकालते हैं और उस आदमी को देते हैं। अब वो सभी पहुंच जाते हैं अंडरवर्ल्ड यानी नर्क में, जहां हर तरफ बहुत ही बुरी तरीके से आग लग रही थी, आत्माएं चिल्ला रही थी। और अब वो नाविक उन्हें छोड़ देता है हेडीज के घर के बाहर, और वो कहता है कि इसके आगे तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। उन तीनों का वेलकम बहुत ही बुरी तरीके से होता है। दो बहुत ही भयानक से दिखने वाले कुत्तों जैसे जानवर, जो कि कुत्ते नहीं थे, उनसे भी भयानक थे, उनके ऊपर ऑलमोस्ट अटैक कर ही चुके थे कि तभी वहाँ हेडीज की वाइफ आ जाती है। हेडीज ने अपनी वाइफ से बहुत ही जबरदस्ती से शादी की थी और वो उससे बहुत ही नाखुश थी। अब वो उन तीनों को ले आती है हेडीज के सामने। हेडीज उन्हें कहता है कि लाओ लाइटनिंग बोल्ट मुझे दो। तब पर्सी उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो वो लाइटनिंग बोल्ट मेरे पास सच में नहीं है, तुम ये बात समझ जाओ और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तब हेडीज बोलता है कि फिर तो तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तब तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तब पर्सी उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरी माँ को लेने आया हूँ, तुम मेरी माँ को दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। तब हेडीज सैली को यानी कि पर्सी की माँ को वहाँ ला खड़ा करता है, लेकिन साथ ही साथ उनके बीच भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब पर्सी जो ल्यूक ने दिया था एक शील्ड, वो निकाल लेता है। इस लड़ाई के बीच में पर्सी के हाथ से वो शील्ड गिर जाती है और उसमें से कुछ चमकती हुई सी चीज दिखती है। हेडीज उसे जाके उठा लेता है और सबसे पहले पर्सी को बोलता है कि तुम तो चोर निकले, तुम ही चोर थे। तब पर्सी वो चीज बताता है कि ये चीज मेरी नहीं है और ना ही ये शील्ड मेरी है, मुझे ये ल्यूक ने दी थी। हेडीज को इनमें से किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, और अब वो उन चारों के लिए नर्क के दरवाजे खोल देता है जहाँ से आत्माएं उन्हें खाने की कोशिश कर रही थी। हेडीज की वाइफ उसके पीछे ही खड़ी थी और उसके हाथ से मजाक मजाक में वो एक बार लाइटनिंग बोल्ट अपने हाथ में लेती है और लाइटनिंग बोल्ट का इतना जोरदार वार वो उसी के ऊपर कर देती है, यानी कि हेडीज पे। हेडीज बेहोश होके वहाँ गिर जाता है और उसकी वाइफ कहती है कि उसे उठने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब पर्सी हेडीज की वाइफ से पूछता है कि तुमने हमारी मदद आखिर क्यों की। तब हेडीज की वाइफ उसे बताती है कि इसने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, ये मेरी हर जगह इंसल्ट करता रहता है और ये यहाँ का बंदी है, यानी कि नर्क में रहने की इसे सजा मिली है। इसके बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये लाइटनिंग बोल्ट है, इसीलिए इसे ये लाइटनिंग बोल्ट चाहिए, ये मेरी किसी काम की नहीं है, तुम इसे ले जा सकते हो। अब वो चारों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन उनके पास वो इकट्ठे किए हुए केवल 3 ही मोती थे। तब हेडीज की वाइफ वहां कहती है कि यहां से सिर्फ 3 लोग ही जा सकते हैं। इस समय ग्रोवर पर्सी को कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ ही दूंगा, तुम सब लोग यहां से जाओ। तब पर्सी कहता है कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, और अब ग्रोवर वहीं रुक जाता है। अब पर्सी की माँ, पर्सी और एनाबेथ पहुंच जाते हैं उसी टावर पे जो कि रास्ता था ओलंपस में जाने का, लेकिन उनके ओलंपस तक जाने का सफर भी इतना इजी नहीं था। वहीं पे पहुंच जाता है ल्यूक और वो पर्सी को कहता है कि तुम वहां से जिंदा कैसे निकल आए, मुझे तो इसी बात का ताज्जुब था। तब पर्सी ने कहा कि वो बोल्ट तुमने ही चुराया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब ल्यूक उसे बताता है कि बहुत हो गया था इन देवताओं का राज, हमें आखिर छुप छुप के रहना पड़ रहा था हमारी ही दुनिया में, अब समय आ गया था हमारा इस दुनिया पे राज करने का। मैं चाहता था कि ये लाइटनिंग बोल्ट चुराने के कारण आपस में ही ये देवता लड़ मरे और सिर्फ हम ही बचे इस दुनिया पे। तब पर्सी कहता है कि ये तो तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जो चीज तुम्हारी है ही नहीं तुम उसे कैसे ले सकते हो। ये बात करते करते दोनों में बहुत ही शानदार फाइट हो जाती है। अब ल्यूक पर्सी को रोकने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन पर्सी था तो आखिर पोसेडियन का बेटा, उसके पास थी पानी की बहुत ही शानदार पावर। वो अपने पानी की पावर को यूज करता है, आसपास रखी सारी पानी की टंकियां फट जाती है और उनसे निकला सारा पानी ल्यूक के ऊपर आ गिरता है। ल्यूक यहाँ बेहोश हो जाता है और इसी समय पर्सी वहां से लाइटनिंग बोल्ट उठा के निकलने लगता है। अब पर्सी की माँ, पर्सी और एनाबेथ पहुंच जाते हैं ओलंपस में जाने वाली लिफ्ट में। 12 बजने में ऑलमोस्ट 1 मिनट कम ही होता है और वहां पे पहुंचने के बाद पर्सी और एनाबेथ देखते हैं कि कैसे सारे के सारे 12 देवता आपस में लड़ रहे थे कि अब हमें ये युद्ध शुरू करना है,
और इन सब में से काफी अग्रेसिव ज़ियोस होता है क्योंकि उसके पास अपना लाइटनिंग बोल्ट नहीं था। अब ज़ियोस पोसाइडन को कहता है कि अब तो मैं युद्ध करके ही रहूंगा। पोसाइडन अभी भी इसे मना करने की कोशिश करता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, और तभी पर्सी वहां आके सभी को रोक देता है कि आप सबको इसी की तलाश थी ना, अब आप युद्ध मत करिए। ज़ियोस जब उस लाइटनिंग बोल्ट को देखता है तो उसी समय पर्सी को कहता है कि ये देखो चोर आ गया, तुमने ही ये लाइटनिंग बोल्ट चुराया था ना। तब पर्सी अपनी सफाई देके कहता है कि ये मैंने नहीं चुराया था बल्कि ल्यूक ने चुराया था, वो है हर्मेस का बेटा और वो आप सभी से काफी नाराज है कि आप लोगों ने यहाँ पे बहुत बर्बादी कर रखी है, वो आप सभी को लड़ाना चाहता था इसी कारण उसने वो लाइटनिंग बोल्ट चुराया था। अब ज़ियोस उसे पूछता है कि पोसाइडन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तब पर्सी मना कर देता है कि नहीं मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब वहाँ पोसाइडन ज़ियोस से कहता है कि एक आखिरी बार मुझे बात करने दीजिए। सभी देवता वहाँ से चले जाते हैं। तब पोसाइडन बात करता है अपने बेटे पर्सी से, पर्सी उनसे नाराज था और उनसे बात भी नहीं करता है। तब पोसाइडन उन्हें बताते हैं कि ये सब आखिर बहुत समय पहले हुआ था, जब मैं तुम्हारी माँ से मिला था तब मैं वहीं का रह गया था, यानी कि मैं इंसानों जैसा होने लगा था। ये चीज देख के ही ज़ियोस ने इस चीज का नियम बनाया कि आज के बाद कोई भी देवता अपने बच्चों से नहीं मिलेगा। तब पर्सी कहता है कि ये नियम आपके कारण ही बना था, इसी कारण आप मुझसे दूर हुए थे। तब पोसाइडन उसे कहता है कि तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तब पर्सी ने कहा कि हाँ मैं आपको महसूस कर पाता हूँ, जब भी मैं किसी तकलीफ में होता हूँ तो वो आपकी ही आवाज आती है। और ये बात कह के वहां से पर्सी चला जाता है। पर्सी के जाने से पहले वो ज़ियोस से एक और बात कह के जाता है कि क्या आप इस लाइटनिंग बोल्ट के बदले मेरे दोस्त ग्रोवर को उस अंडरवर्ल्ड से यानी कि नर्क से बाहर निकाल सकते हो। तब ज़ियोस उसकी ये बात मान लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सभी पहुंच जाते हैं वापस कैंप की तरफ। अब सैली वहां पर्सी को लास्ट गुड बाय कहती है और कहती है कि बेटा आखिर यही तुम्हारी जगह है, यही तुम्हें रहना है, ये तुम लोगों की दुनिया है। अब पर्सी वापस पहुंच जाता है कैंप यानी कि अपने आधे देवता और आधे इंसानों वाली जगह पे, जहाँ पे सभी उसी के जैसे लोग थे। सभी उसका बहुत जोरों से वेलकम करते हैं और वहाँ पे एंटर करते ही उसे ग्रोवर भी मिल जाता है। आगे बढ़ने के बाद प्रोफेसर भी पर्सी से मिलने आते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने आखिर मेरी बात नहीं मानी, हम ज़ियोस से बात करने के लिए जाने वाले थे लेकिन उससे पहले ही तुम अकेले निकल पड़े। तब पर्सी उनसे माफी मांगता है लेकिन वो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो बातें नहीं मानते हैं। अब पर्सी वापस पहुंच जाता है अपने मैदान में जहां वो बहुत ही शानदार फाइट करते हैं अपने ही आपस के लोगों से, और वो सबसे पहले मिलता है एनाबेथ के पास में। एनाबेथ चालाकी से उसकी तलवार ले लेती है लेकिन फिर भी वो वहां नहीं रुकते हैं और वापस से वो अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये देवताओं और इंसानों की कहानी, आप मुझे प्लीज बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ आप अपने फैमिली के साथ ये मूवी शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फैमिली जोनिक मूवी है। और इसी के साथ मैं आपको करती हूँ टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से अगली मूवी में।